हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले सेशन में इसका कुछ थ्योरिटिकल पार्ट्स पढ़े थे, कुछ डेरिवेशन पार्ट्स पढ़े थे, तो आज के सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स पार्ट को डील करेंगे, जिसमें हम लोग बेल्ट के न्यूमेरिकल्स को लेंगे, रोप के न्यूमेरिकल्स को लेंगे। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल सेक लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड बाय ए बेल्ट रनिंग ओवर ए पुल्ली 600 mm डायमीटर एट 200 rpm। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुल्ली इज 0.25, एंगल ऑफ लैप 160 डिग्री एंड मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज 2500 न्यूटन। कह रहा है कि आपको पावर का ट्रांसमिशन पता करना है कि अगर कोई बेल्ट है वो पावर का ट्रांसमिशन करता है तो कितना करेगा। अगर बेल्ट में टाइट साइड जो टेंशन है वह 2500 न्यूटन है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है 0.25, जो पुल्ली रोटेट कर रहा है उसका आरपीएम दिया हुआ है 200 rpm, डायमीटर दे दिया हुआ है कितना है तो 600 mm। तो क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि किस टाइप का बेल्ट ड्राइव यूज कर रहे हैं, तो आप कोई भी बेल्ट ड्राइव यूज कर लो। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक बेल्ट ड्राइव है, ओपन बेल्ट ड्राइव ही एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, और यहां से आप इस पर बेल्ट लगा दो, करेक्ट। अब आप जानते हो कि बेल्ट में जो लोअर पोर्शन होता है उसको हम लोग टाइट साइड मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि अगर आप अपर पोर्शन को टाइट साइड ले लेंगे तो नीचे वाला जो सेक्शन है वो ज्यादा जो है स्लैक हो जाएगा और बेल्ट और पुल्ली के बीच में इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए ऐसे करके सैगिंग हो जाएगा जिससे इसका कॉन्टेक्ट और टूट जाएगा, इसलिए लोअर सेक्शन को हमेशा आप टाइट साइड मानते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग T1 कह दिए और ये आपका T2 हो गया। तो मेरे पास डेटा क्या क्या है, तो सॉल्यूशन में हम लोग आ जाते हैं। पावर ट्रांसमिशन को पावर ठीक है, तो पावर को P लिख दिए और इस फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, तो फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट रनिंग ओवर ए पुल्ली, रनिंग पर ए पुल्ली ऑफ डायमीटर, एक पुल्ली है उसका डायमीटर कितना दे दिया हुआ है 600 mm और इसका स्पीड कितना दे दिया हुआ है तो 200 rpm। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुल्ली, बेल्ट और पुल्ली के बीच में जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो 0.25 है और एंगल ऑफ लैप आपको क्वेश्चन में दे दिया है। लैप का मतलब होता है कि जो ड्रिवन पुल्ली है, ये आपका ड्रिवन पुल्ली, तो ड्रिवन पुल्ली के साथ बेल्ट कितना एंगल बना रहा है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ लैप। तो थीटा का वैल्यू दे दिया 160 डिग्री। तो कभी भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो याद रखना है एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो 160 डिग्री इंटू पाई बट्टे 180 रेडियन, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना है 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 रेडियन होता है, इसको घोट जाइएगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो थीटा का यहां से जो वैल्यूज आपको आ जाएगा, ध्यान देंगे यहां जब आप सॉल्व इसको करेंगे तो थीटा का वैल्यू लगभग आ जाएगा 2.793 रेडियन, क्लियर है। तो यहां से थीटा का वैल्यू आपको निकल जाएगा। अब और क्या क्या दे दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज, तो मैक्सिमम टेंशन आपको T1 बराबर दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है 2500 न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए वेलोसिटी हमको चाहिए, तो याद रखना है कि वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, लिनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा के जगह लिख सकते हैं 2πn/60 और 2r के जगह हम लिख सकते हैं डायमीटर, तो यहां लिख देंगे पाई डायमीटर इनटू एन बाय 60। तो ये वेलोसिटी हो गया। अब देखिए जो जो वैल्यू दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, यहां पर डायमीटर देखिए mm में दिया है, इसको मीटर में बदल दो तो 0.6 मीटर, 1000 से भागा दे देंगे, ठीक है, तो 0.6
गुना 200 और डिवाइडेड बाय 60, ये वेलोसिटी हो गया। यहां से कैलकुलेटर से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी का वैल्यू लगभग आ जाता है, एक बार आप चेक कर लेंगे, इसका जो वैल्यूज आ जाता है वो 6.28 के आसपास आ जाता है, 6.284 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो हम लोग का वेलोसिटी भी निकल गया है, क्लियर है। अब हम कुछ क्या चाहिए, तो देखो वेलोसिटी निकल गया है, T1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर T2 निकल जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। तो T2 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो जरा ध्यान देंगे बोर्ड पर। अब हमको T2 निकालना है, तो T2 कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, क्या जानते हैं, T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई म्यू थीटा, करेक्ट है। T1 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2500 न्यूटन, और ई म्यू थीटा को यहां लिख दो, कैलकुलेटर में चल जाओ, एक्सपोनेंट आपका दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप ले लेंगे। म्यू का वैल्यू 0.25 है और थीटा का वैल्यू अभी ताजा निकाले हो, थीटा का वैल्यू कहां निकला, यस थीटा का वैल्यू यहां निकाले 2.793। अगर किसी तरह का कैलकुलेशन मिस्टेक होगा कैलकुलेटर में तो आप वहां से खुद से चेंज कर लेंगे। तो यहां से कितना हो गया T2, ठीक है। अब T2 को आप पूरे कैलकुलेटर में डाल दीजिए, तो यहां से जब आप T2 को कैलकुलेटर डाल दीजिएगा तो यहां से कुछ वैल्यूज आ रहा है T2 का, T2 बराबर 1243.69 न्यूटन, जो नियरली इक्वल टू मान सकते हैं 1244 न्यूटन, ये T2 निकल गया। इसको भी घेर दिए, मेरा काम का चीज है, क्लियर हो रहा है। अब हमको क्या करना है, फाइनली पावर निकालना है कि पावर क्या होगा। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, पावर निकालना है, देयरफोर पावर ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो पावर P लिख दिया हूं, क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम गुना वेलोसिटी। मैक्सिमम कितना है 2500, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना हो गया 1244, और वेलोसिटी क्वेश्चन में आ गया है 6.28। चल जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ वैल्यूज आ रहा है, और इसको कैलकुलेट करने से इसका जो वैल्यूज आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं इसका जो वैल्यूज आ रहा है, 7889.95, क्या चीज में आ रहा है, वाट में आ रहा है। तो इसको आप क्या करो, किलो वाट में बदल दो, तो यहां से लिख सकते हो 7.889 किलो वाट, और जिसको नियरली इक्वल टू आप बोल सकते हो 7.9 किलो वाट आंसर। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको बनाना है। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, सारा डेटा लिखना है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, और आपके पास कुछ कॉमन फॉर्मूला है। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनेगा, ये रिलेशन और दूसरा पावर का ये रिलेशन, बस ये दोनों को ध्यान में रखेंगे तो आपसे बेल्ट का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। देखिए ये चैप्टर में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स, अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल्स है जो आपके एग्जाम्पल में है, आपकी एक्सरसाइज में है। आप जिस बुक को भी प्रिफर कर रहे हैं, चाहे आप SS रतन यूज कर रहे हो, RS कुर्मी यूज कर रहे हो, VP सिंह यूज कर रहे हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप उसके एक्सरसाइज में जाइए। आप सारे एग्जाम्पल को अच्छे से बना लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें देखते हैं कि पावर कैसे निकाला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, ए वेट 9000 न्यूटन हैंग फ्रीली फ्रॉम ए रोप विच मेक 2.5 टर्न राउंड ए ड्रम ऑफ 300 mm डायमीटर रिवॉल्विंग एट 20 rpm, द अदर एंड ऑफ द रोप इज पुल्ड बाय, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25 डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड बाय द मैन। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द पावर टू राइज द वेट। देखिए इस बार क्या है, बेल्ट के जगह रोप ले लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
एक हम लोग रोप का अरेंजमेंट कर लेंगे, आप कोशिश कीजिए अगर आपसे फिगर बन जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट को दिखा देता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक पुल्ली है, आइए इसी को हम लोग ड्रम मान रहे हैं, ये बॉल बेयरिंग के साथ यहाँ अटैच होगा और फिर सेम इसी तरह का ये पार्ट है और इसमें ग्रूविंग किया हुआ है, खाचा बना हुआ है जिसमें रस्सी को बाउंडिंग कर दिए। तो क्या कह रहा है वेट, तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे दिया हुआ है, तो वेट दे दिया हुआ है, ठीक है, W कितना दे दिया हुआ है तो 9 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन है इसका मतलब हम इसको 9000 न्यूटन लिख सकते हैं। अच्छा, और इस जो रस्सी लपेटा है वो कितना है, तो 2.5 टर्न मार रहा है, इसका मतलब इसमें जो रस्सी लपेटा है इसमें यहां पर हम लोग लोड को ऐसे टांग देते हैं W, और इसका एक एंड जो है रस्सी का ये कटके खींच रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें एक टर्न है, तो देखो एक चक्कर मारा तो थीटा बराबर कितना 360 डिग्री, कितना वन टर्न में, एक चक्कर में टोटल एंगल कितना बनेगा 360, और 360 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो 2π रेडियन, तो कितना चक्कर ये कितना टर्न इसमें लिया हुआ है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2.5 गुना 2π, तो 2 गुना यहां, तो ये 5π रेडियन, तो एंगल हमको निकल गया। ये जरा ध्यान देना कि एक टर्न में 360 डिग्री होता है, इसका मतलब 2π होता है, तो टोटल इसमें जो रस्सी लपेटा हुआ है वो 2.5 टर्न। ठीक है, अच्छा ड्रम का डायमीटर दे दिया, डायमीटर है तो 300 mm दिया हुआ है, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 0.3 मीटर हो जाएगा। रिवॉल्विंग एट 20 rpm, देखो मैं खींच रहा है इसलिए इसका स्पीड बड़ा कम है rpm। द अदर एंड ऑफ द रोप इज पुल्ड बाय अ मैन, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.25 लग रहा, डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड बाय द मैन। अच्छा, जहां पर ये लोड लग रहा है तो ऐसे टेंशन को हम लोग क्या कह देंगे, T1, और आदमी जो एफर्ट लगा रहा है इसको T2। ठीक, तो यहां से क्लियर हो गया कि T1 किसके बराबर, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहेंगे तो ये देखो वेट इधर नीचे लग रहा है W, तो W बराबर T1 900 न्यूटन। चलिए, और क्या क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, वेलोसिटी नहीं दिया, तो वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, क्या जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई टी एन बाई 60, याद रखना है ये, चाहे रोप हो बेल्ट हो इसमें वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, तो यहां से वेलोसिटी बराबर पाई टी कितना हो गया 0.3 × 20 और डिवाइडेड बाई 60। देख लो, जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यहां से वेलोसिटी का जो वैल्यूज आ रहा होगा ये लगभग आपका वेलोसिटी 0.31 3142 मीटर पर सेकेंड आ रहा होगा, आप एक बार खुद से चेक कर लेंगे। ठीक, तो यहां से वेलोसिटी कुछ इतना आ रहा है, तो वेलोसिटी निकल गया है। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो तो पावर बराबर होता है T1 - T2 × वेलोसिटी। अच्छा, T1 क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो T1, वेलोसिटी हम लोग निकाल दिए हैं, अगर T2 निकल जाएगा तो मजा आ जाएगा, तो T2 कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं T1 / T2 इज इक्वल टू E μ θ होता है, करेक्ट है, क्योंकि यहां देखो ग्रूविंग एंगल नहीं दिया है तो हम लोग ये डायरेक्ट ये रिलेशन यूज कर लेंगे। क्लियर है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि T1 / E exponent μ θ इज इक्वल टू T2। T1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 900 न्यूटन, एक्सपोनेंट कैलकुलेटर में डायरेक्ट एक्सपोनेंट यूज कर लेंगे, जस्ट देखिए लॉग के बगल में होगा आपके कैलकुलेटर में। अच्छा, ये 0.25 × थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 5π इज इक्वल टू T2। After the calculation, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो T2 का वैल्यू 176.47 न्यूटन आता है। Therefore, पावर बराबर कितना
टी वन बाई टी टू इंटू वेलोसिटी, टी वन का वैल्यू लिख दो 9176.47 और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 0.3142 मीटर यूनिट छोड़ देता हूं। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो पावर का जो वैल्यूज आ रहा है वह लगभग 2773 के आसपास आ रहा है, 2 न्यूटन आ रहा है, सॉरी वाट आ रहा है। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए तो 2.77 किलो वाट आंसर। तो दो क्वेश्चन हमको निकालना था, तो पहला देखो एफर्ट निकल गया और दूसरा पावर निकल गया। आई होप आपको ये दोनों न्यूमरिकल आसानी से समझ में आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमरिकल अपने बुक के एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी न्यूमरिकल के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और खूब सारा एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, न्यूमरिकल अच्छे अच्छे बुक से सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।